बोर्ड हाई स्कूल के 31 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की किस्मत का फैसला आज हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड UPMSP की ओर से 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। पहले नंबर पर सीतापुर की रहने वाली प्रियांशी सोनी रही, जिन्होंने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। उन्हें 600 अंकों में से 590 अंक प्राप्त हुए हैं। कुशाग्र पांडे और मिस्कत नूर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रहे, इन्हें 600 में से 587 अंक प्राप्त हुए हैं। यूपी बोर्ड के परिणाम 2023 के अनुसार कक्षा 10 के 179 छात्रों ने टॉप 10 में रैंक हासिल की है। हाई स्कूल का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 89.78 रहा है। वहीं यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा में टॉप 5 में 19 स्टूडेंट्स को जगह मिली है। सभी छात्रों ने 96.6% अंक प्राप्त किए हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में सीतापुर बाला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी सोनी ने टॉप किया। काफी मुश्किलों के बावजूद प्रियांशी ने कभी हार नहीं मानी और अपने परिवार का नाम रोशन किया। आज जब प्रियांशी ने यूपी टॉप कर लिया है तो वो पिता को याद कर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि पापा नहीं रहे, लेकिन भैया और मम्मी ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। भैया शोभित सोनी ने घर के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी संभाली। वो मोबाइल की दुकान चलाते हैं। भैया हमेशा मुझसे बोलते हैं कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, जहाँ पढ़ना है पढ़ो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। प्रियांशी के माता पिता ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। प्रियांशी कहती हैं कि मैं बड़ी होकर IAS अफसर बनूंगी, लोगों की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। प्रियांशी के अनुसार आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान रहते हैं, उन तक पहुंचना उनकी जिम्मेदारी होगी। बहुत खुशी हो रही, मतलब क्या ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं हम। क्या आपका एक एम रहा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगे जो आपने पे ज्यादा फोकस किया? सर मेरे पास मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और ड्राइंग सब्जेक्ट्स रही हैं, और सबसे ज्यादा मतलब पसंदीदा की बात रहे तो मतलब मैथ थी और इंग्लिश थी। हर सब्जेक्ट में मतलब स्ट्रेटजी थी, अच्छे से उसको पढ़ना था। भविष्य में क्या करने की सोच है? सर IAS की तैयारी। प्रियांशी आप अपनी किताबों को कितना समय देती हैं? सर 4 से 5 घंटे तो डेली। आगे के बच्चों के लिए क्या मतलब सर सब बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि हाँ, अगर अपने अंदर डिटर्मिनेशन है और डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो सब कर सकते हैं। तो सब लोग कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी रखें सब लोग। बड़े होकर आपकी एडमिशन क्या है, क्या बनना चाहेंगे? सर UPSC की तैयारी। इससे पहले परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी से 3 मार्च तक कराया गया था। इस दौरान कुल 31,16,487 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। वहीं परीक्षा की कॉपी चेकिंग 18 मार्च को शुरू हुई थी और 31 मार्च को पूरी कर ली गई थी। अब बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है।